फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन कुछ लोगों को लेकर रूस के एक शहर स्टालिनग्राद जा रही थी। उस शहर में फौजों ने हमला किया था और शहर के कुछ हिस्से में कब्जा कर लिया था। शहर और रेलवे के बीच एक नदी पड़ती थी जिसे ट्रेन से आए लोग नाव में बैठकर पार करने लगते हैं। तभी जर्मन फौज उन पर हमला कर देती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, पर उनकी ही आर्मी भागने के जुर्म में गोली मार देती है। जो लोग जिंदा बच जाते हैं उन्हें नाव से उतरते ही कुछ को बंदूक और कुछ को गोलियां दी जाती हैं, और कहा जाता है कि जब तुम्हारा साथी मर जाए तो उनकी बंदूक या गोलियां ले लेना और जर्मन फौज को मुकाबला करना। उन्हें आगे बढ़ने और जर्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो पास आते हैं जर्मन फौज उन पर टैंक और मशीन गन से हमला कर देती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं और बचे हुए वापस भागने लगते हैं, जिन्हें उनकी ही आर्मी वाले गद्दार कहकर मार देते हैं। हमले की जगह के पास एक रशियन आर्मी का पॉलिटिकल ऑफिसर दानी लोव जा रहा था, जिस पर जर्मन टैंक हमला कर देते हैं। वो घायल होकर एक जगह लाशों के बीच छुप जाता है। जर्मन सैनिक वहां आकर लाशों पर गोलियां चलाते हैं और सबको मरा जानकर एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास चले जाते हैं। उस बिल्डिंग के पास जर्मन आर्मी का एक कमांडिंग ऑफिसर नहा रहा था और उसका एक असिस्टेंट उसकी रखवाली कर रहा था। दानिलो एक बंदूक उठाता है और उस ऑफिसर पर निशाना लगाकर फायर कर देता है, पर उसकी गन खाली थी। उन्हीं लाशों के बीच एक नव युवक जिसका नाम वैसली था छुपा हुआ था। वो दानिलो की गन में गोलियां भर देता है। दानिलो उससे पूछता है, क्या तुम्हें गन चलानी आती है? वैसलीन के हाँ कहने पर वो उसे गन दे देता है। तभी वहाँ तीन सिपाही और आ जाते हैं। वैसली के पास 5 गोलियां थी और 5 जर्मन फौजी थे। वो अपने निशानेबाजी से उन 5 को मार देता है। यह देखकर दानिलो उसे अपने साथ रशियन आर्मी के हेडक्वार्टर ले जाता है। आर्मी के हेडक्वार्टर में निकिता नाम का जनरल आता है और वो बचे हुए कमांडिंग ऑफिसर से पूछता है कि जर्मन फौजी का मुकाबला कैसे किया जाए। दानिलो जनरल को वैसली के बारे में बताता है और कहता है कि हमें हीरो चाहिए। वैसली को एक स्नाइपर गन दी जाती है और रशियन आर्मी के न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छापी जाती है ताकि रशियन आर्मी और लोगों की उम्मीद और साहस बढ़े। वैसली अपने स्नाइपर गन से बहुत सारे जर्मन फौजियों को निशाना बनाता है और अपने खाली समय में अपने प्रशंसकों के खतों का जवाब देता है। वैसली जिस घर में छुपा हुआ था वहां तान्या नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर वैसली और दानिलो दोनों उससे प्यार हो जाता है। वैसली के बहुत से जर्मन फौजियों के मारने के बाद वहां मेजर कोनिंग को बुलाया जाता है, जो कि एक जर्मन स्नाइपर था। कोनिंग वैसली को मारने के लिए एक योजना बनाता है और एक बिल्डिंग में छुपकर बहुत से रशियन फौजियों को अपने स्नाइपर गन से निशाना बनाता है। वैसली कोनिंग को मारने के लिए उस बिल्डिंग के पास जाता है और एक डमी को कोनिंग समझकर गोली मार देता है और बिल्डिंग में अपने साथियों के साथ घुस जाता है, जहां पर कोनिंग उसका वेट कर रहा था। कोनिंग वैसली के एक साथी को मार देता है और वैसली को वहां से भागना पड़ता है। वैसली के हेल्प के लिए कोलिको नाम के एक स्नाइपर को बुलाया जाता है, जो कोनिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। वैसली और कोलिको एक हेल्पर के साथ कोनिंग की तलाश करते हुए एक फैक्ट्री में जाते हैं। उस हेल्पर को कोनिंग पकड़ लेता है और उसे वैसली के बारे में पूछता है। हेल्पर के सही जवाब न देने पर कोनिंग उसे जर्मन फौजी की वर्दी पहनकर जाने को कहता है, जिसे कोलिको जर्मन सैनिक समझकर मार देता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब उन दोनों को कोनिंग का पता नहीं चलता तो वो वहां से भाग जाने लगते हैं और भागते हुए कोलिको को वही छुपा हुआ कोनिंग अपना निशाना बना लेता है और मार देता है। वैसली छुपता हुआ वापस अपने बेस में आ जाता है। दानिलो उससे कहता है कि हमने कोनिंग को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। एक लड़का शासा जो कोनिंग का सर्वेंट है वो हमें कोनिंग की जानकारी देगा। बेस में ही तान्या वैसली से मिलती है और वैसली उसका स्नाइपर हेल्पर बनने को कहती है, जिस पर वैसली उसको कोलिको की गन दे देता है।
उधर वो लड़का कोनिंग को बताता है कि वेस्ली ट्रैक्टर फैक्ट्री से पाइप के रास्ते से जाता है और यही जानकारी वेस्ली को भी देता है। वेस्ली पाइप के रास्ते से अपने एक साथी के साथ वहां जाता है, जिसे वहां छुपा हुआ कोनिंग गोली मार देता है और वह घायल हो जाता है। वेस्ली के हाथ से गन छूट जाती है और वह एक छोटी मशीन के पीछे छुप जाता है और अपने साथी को वापस जाने को कहता है। उसका साथी वापस जाकर तान्या को वेस्ली के बारे में बताता है और तान्या वेस्ली की हेल्प के लिए उसके पास जाती है। वेस्ली तान्या से कहता है कि कोनिंग एक खिड़की के पीछे छुपा हुआ है, तुम कोई एक शीशे का टुकड़ा लेकर उसे इस तरह रखो जिसे शीशे से लाइट उस खिड़की पर पड़े। तान्या के ऐसा करने पर जब लाइट खिड़की पर पड़ती है तो कोनिंग को कुछ दिखाई नहीं देता और मौका देकर वेस्ली अपनी गन उठाकर खिड़की पर फायर कर देता है, जिससे कोनिंग का एक हाथ घायल हो जाता है और वापस जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दानिलो उस लड़के साशा को कुछ बता रहा था जिससे कोनिंग को पकड़ा जा सके। वेस्ली दानिलो के पास जाता है जहां साशा वेस्ली को बताता है कि कोनिंग केमिकल फैक्ट्री के पास कहीं छुपा हुआ है। वहाँ जर्मन फौज के हमले के कारण बहुत से रूसी सैनिक मारे गए थे। वेस्ली उन लाशों के बीच लेट जाता है और बहुत थका होने के कारण वहीं सो जाता है। उसकी आईडी चुराकर एक सिपाही वहां से भागता है, जिसे जर्मन फौजी मार देते हैं। जर्मन जनरल को आईडी देखकर लगता है कि वेस्ली मारा गया था, पर कोनिंग को यकीन था कि वेस्ली जिंदा है। वो शासा से कहता है कि मैं कल रेलवे स्टेशन के पास एक जगह छुप कर वेस्ली का वेट करूँगा और उसे मारूँगा। वो साशा से ये भी कहता है कि अब तुम घर जाओ और मेरे पास वापस मत आना। उसे साशा पर जासूसी का शक हो जाता है। रशियन छावनी में वेस्ली दानिलो के पास जाता है, जहां साशा उनको बताता है कि मेजर कोनिंग रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा। साशा मेजर कोनिंग के पास जाता है और शक के कारण कोनिंग साशा को मारकर उसकी लाश एक जगह लटका देता है, जिसे तान्या और वेस्ली देख लेते हैं। तभी रशियन कैंप पर जर्मन फौज हमला कर देती है, जिसमें तान्या घायल हो जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। कुछ रशियन फौजी और डॉक्टर घायलों और बचे हुए लोगों को लेकर वहां से दूसरे शहर जाते हैं, जिसे तान्या भी थी। दानिलो तान्या को मरा समझकर दुखी होकर वेस्ली के पास जाता है, जहाँ वेस्ली उसको कहता है कि कोनिंग यही कहीं छुपा हुआ है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तान्या की मौत से दुखी दानिलो वेस्ली से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कोनिंग कहाँ छुपा है। यह कहकर वो अपना सिर बाहर निकालता है, जिसे वेस्ली समझकर मेजर कोनिंग शूट कर देता है। वेस्ली की मौत की पुष्टि के लिए मेजर कोनिंग अपनी जगह से बाहर निकलता है, पर वेस्ली अपनी जगह बदलकर ट्रेन के पास खड़ा हो जाता है। मेजर कोनिंग के वहाँ आते ही वो मेजर को शूट कर देता है। वो कोनिंग की गन लेकर दानिलो की लाश के पास जाता है और लाश के हाथों में वो गन रख देता है। इसके बाद वो तान्या को ढूंढते हुए उस हॉस्पिटल में जाता है, जहां ये अनाउंस हो रहा था कि रशियन फौजियों के जबरदस्त जवाबी हमले के कारण जर्मन फौज वहां हार गई और शहर को छोड़कर वहां से चली गई। वेस्ली को सोवियत यूनियन के हीरो का खिताब और बहुत से पदक दिए गए और आज भी उसकी राइफल को स्टालिनग्राद के हिस्ट्री म्यूजियम में देखा जा सकता है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।